फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम पैशन और मैं हूं सुषमा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं चने की साग की रेसिपी, जो कि एकदम यूपी स्टाइल है, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूं। अब बचपन से मैंने चने का साग बहुत खाया है एंड मेरा फेवरेट है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। एकदम सिंपल है, टेस्टी है और सुपर हेल्दी भी है, क्योंकि आपको पता है ग्रीन वेजिटेबल्स कितनी ज्यादा हेल्दी होती हैं। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए है सीधा चलते हैं किचन में और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो ना इतनी सी भी पसंद आती है, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो एंड मुझे कमेंट करो, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो चलते हैं सीधा किचन में और बनाते हैं चने का साग। तो ये मैंने चने का साग लिया है, तो इसको मैंने बारीक काट लिया है एंड मैंने इसको वॉश नहीं किया है क्योंकि मैं गांव से लेकर आई थी। बट अगर आप मार्केट से ख़रीदते हो तो एक बार उसको वॉश ज़रूर कर लेना एंड उसके बाद इसको एकदम बारीक कट करना। आप जितना बारीक काटोगे ना उतना स्मूथ ये बनेगा। तो उसके साथ ही मैंने लिया है ये बथुआ लिया है, तो जितना मैंने चने का साग लिया है उतना ही मैंने बथुआ, उससे जस्ट हाफ बथुआ लिया है। आप चाहो तो पालक भी ले सकते हो। तो अभी एक हमको कुकर लेना है और कुकर में 250 ml पानी डालना है, साथ में 2 छोटे चम्मच उड़द दाल और 2 छोटे चम्मच जो है चावल डालना है। और चावल डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और नमक डालने के बाद फिर इसमें मैं ऐड करूँगी बथुए का साग और चने का साग। खोल के देखती हूँ कि हमारा साग कैसा है। तो ये साग तो काफ़ी अच्छे से पक गया है, बस इसको अच्छे से अब मिला के मैश करना है। तो मैं एक बार इसको मिक्स करके फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ एक आयरन की कढ़ाई में, क्योंकि चने का जो असली टेस्ट है ना वो आयरन की कढ़ाई में ही आता है। तो मैंने अभी ट्रांसफ़र कर लिया है इसको एक आयरन की कढ़ाई में और अभी आप देख रहे हो ये सारा अलग अलग दिख रहा, राइस अलग, साग अलग एंड दाल अलग। बस इसको ना मुझे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, एक तरीके से ना इसको घोटना है। तो बस जैसे मैं कर रही हूँ वो प्रोसेस आप करते जाइए। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट आयरन की कढ़ाई में ही बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एंड मेरे पास क्या था कि इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी, तो इसलिए मैंने छोटी पहले कुकर में करके उसको थोड़ा कम हो गया और उसके बाद फिर मैंने इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके किया। और अभी बस इसको भूनते जाना है जब तक कि अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। और थोड़ा पहले मैं इसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हम सरसों के साग में जो है मक्के का आटा ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं गेहूँ का आटा ऐड कर रही हूँ। आप बेसन भी ऐड कर सकते हो, बट मैं ऑलवेज़ इसमें गेहूँ का आटा ही ऐड करती हूँ। तो बस इसको ऐसे ही करते जाइए और स्मूथ करते जाइए। अब मुझे एक तड़का देना है। तड़का देने के लिए मैंने एक तड़के पैन में 2 चम्मच तेल गर्म किया है, साथ में मैंने इसमें खूब सारा लहसुन लिया है, तो इस लहसुन को मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है। तो अब इसमें डालते हैं खूब सारा लहसुन, फिर उसके बाद ऐड करेंगे हींग और थोड़ी देर भूनने के बाद फिर इसमें 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बट आप अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो कम या ज़्यादा। और बस इसको अच्छा सा लाल करना है और फिर इस तड़के को ट्रांसफ़र कर देना है अपने इस साग में और अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा चने का साग एंड इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, इसमें गार्लिक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो आप इसे इंजॉय कर सकते हो बाजरे की रोटी के साथ, बेसन की रोटी के साथ या फिर नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी के साथ भी। बट इसका जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है वो है स्टीम राइस, तो आप स्टीम राइस के साथ इसको इंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम ऑसम वाला टेस्ट आएगा।
और जैसा हम खाते हैं कढ़ी एंड राजमा, एक दिन पुराना तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो वैसे ही सरसों के साग में भी होता है कि आप एक दिन पुराना सरसों का साग लीजिए, थोड़ा सा स्टीम राइस लीजिए गर्मा गर्म, और उसके ऊपर थोड़ा सा डालिए मस्टर्ड ऑयल और फिर इसको इंजॉय करिए। बहुत ही यम्मी वाला फूड है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।